तरफ मैंने गुज़श्ता जुमा को बताया था कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के तीन दौर, पहला बचपने से बचपने का जो दौर है 18 साल तक का, दूसरा 18 साल से जो 8 साल पढ़ाई का, फिर उसके बाद 25 साल जंगलात का, ये दूसरा दौर, और तीसरा आखिरी का जो दौर है वो 40 साल इबादत व रियाजत और दीन की खिदमत, दीन की तदरीस व अशाअत का दौर है। ये तीन दौर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने बताया कि आप पैदा हुए उस रात में 1100 बच्चे पैदा हुए, सब के सब वली बन गए। ये गौसे आज़म की विलादत का सदका बांटा बांटा गया कि जितने पैदा हुए उस रात में सब वली बन गए। मेरे भाइयों, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी उम्र 2.5 साल है, कितनी? 2.5 साल आपकी उम्र है। आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं कि एक बुजुर्ग का गुजर होता है, एक साहिल का, एक फकीर का गुजर होता है, देखे कि यहाँ पे सब सैयद ज्यादा बच्चे खेल रहे हैं, सैयदों का मोहल्ला है। आप जब अपने गांव के शहर जिनान अपने कस्बा में वहां खेल रहे थे, उस बुजुर्ग साहिल का गुजर हुआ, उन्होंने सलाम किया बच्चों से, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बच्चों ने एक मरतबा जवाब दिया, सरकार गौसे आज़म दो मरतबा जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। वो साहिल वो बुजुर्ग खड़ा हो गया और कहने लगा शहजादे जरा करीब आइए। करीब गए गौसे आज़म, फरमाया आपने आपके तमाम साथी तमाम बच्चे मैंने एक बार सलाम किया, सबों ने एक बार जवाब दिया है, आपने दो मरतबा जवाब दिया, आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? गौसे आज़म फरमाते ऐसा करे, आप अपना काम करे, आप जाए। वो बुजुर्ग जिद में खड़ा हो गया, कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप बताए आपने, मैंने एक बार सलाम किया, सबों ने एक बार जवाब दिया, आपने दो बार कहा वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम, क्यों? इसमें राज क्या है, वजह क्या है? गौसे आज़म किनारे ले जाते हैं उस साहिल को। 2.5 साल की उम्र है गौसे आज़म की, कितने साल की? 2.5 साल की उम्र है। किनारे ले जाते हैं और किनारे ले जाकर के आप कहते हैं ये बताइए बड़े मियाँ, ये सामने जो मकान देख रहे हैं क्या इस मकान को पहचानते? कहा हाँ पहचानता हूँ। कहा 2.5 साल पहले आपका गुजर हुआ था? कहा इस रास्ते से गुजर हुआ था, मैंने देखा कि सैयदों का मकान है, सैयदों का मकान है, मैं दरवाजे से गुजरा, सलाम किया ताकि कुछ बरकतें कुछ दुआएं मिल जाए, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला, मैं आगे निकल गया। गौसे आज़म फरमाते हैं सुनिए, ये घर जो किसी और का नहीं मेरा है, ये घर मुझे अब्दुल कादिर का घर है, और जिस वक्त आपका गुजर हुआ उस वक्त मेरे घर में मर्द सूरत में कोई मौजूद ना था, मेरी वालदा घर में अकेली थी, मेरी वालदा घर में अकेली थी, लेकिन वो काम में मशरूफ होने के बिना पे आपके सलाम को सुन नहीं पाई, मैं उस वक्त माँ के शिकम में माँ के पेट में मौजूद था, मैं माँ के पेट में रहकर आपके सलाम को सुन लिया और आपको देख लिया। 2.5 साल हो गए मुझे पैदा हुए, मैं जब से आपकी राह देख रहा हूँ, आपका इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो आएंगे, कब उनका कर्ज मैं अदा करूंगा, क्योंकि उस दिन आपने सलाम किया जवाब आपको न मिला, आज आपका गुजर हुआ मैंने पहचान लिया, आज आपने भी आज भी सलाम किया, उस दिन भी सलाम किया था, तमाम बच्चों ने जो जवाब दिया है आज के सलाम का जवाब दिया है, लेकिन अब्दुल कादिर ने जो दो मरतबा जवाब दिया है, एक आज के सलाम के कर्ज की अदायगी है, एक 2.5 साल पहले जो आपने सलाम किया था उस कर्ज की अदायगी है। ये है सरकार गौसे आज़म, ये गौसे आज़म है, माँ के पेट में रहकर भी आप दुनिया वालों को देख रहे हैं, दुनिया वालों की आवाजें सुन रहे हैं, और 2.5 साल बाद भी पहचान रहे हैं कि कौन बंदा 2.5 साल पहले सलाम किया था। ये गौसे आज़म है मेरे भाइयों, सरकार गौसे आज़म जब जंगलात में आप इबादत व रियाजत में लग गए, तो गौसे आज़म फरमाते हैं जब मैं अल्लाहु अल्लाहु का जिक्र करता था तो तमाम चरिंदे परिंद तरिंद सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाते थे, शेर चीते बड़े बड़े खूंखार जानवर ये सब
सब के सब जमा हो जाते मेरे इर्द गिर्द, अब मेरी आवाज से आवाज मिलाकर सब के सब अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते थे। ये गौसे आजम है कि आप जिक्र करें तो आपकी आवाज में आवाज, जानवर चरिंदों परिंद तरिंद सब आवाज में आवाज मिला, पूरे जंगलात अल्लाह अल्लाह की सदाई से गूंज जाए। ये गौसे आजम है मेरे भाइयों, मैंने कहा था जब गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर आए एक बड़ा चैलेंज था आपके लिए, क्योंकि उस वक्त जो खलीफा थे वहां के जो बादशाह लोग थे वो उनका मामला ये था कि वही आलिम को वही मौलाना को इमाम बनाते और उसे ही रखते थे जो उनकी तारीफ और तौसीफ बयान करें। बाकी जो उलमाए हक थे, उलमाए हक अपनी खानकाहें अपने मदरसे को सुनी कर दिए अपने ईमान और अमल को बचाने के लिए, अल्लाह वाले दरवेश खानकाहों को सुनी कर दिए, खानकाह में गोशा नशी हो गए, कुछ अल्लाह वाले पहाड़ों पर चले गए अपने ईमान की हिफाजत के लिए। एक तरफ राफिजियों का फितना था जो शेखाइन हजरत सिद्दीक अकबर फारूक आजम की शान में गुस्ताखियां करते थे और उन्हें मिंबर पे गालियां दी जाती थी। दूसरी तरफ यह था कि बगदाद के बड़े बड़े जो अमीर और बादशाह और रऊसा खलीफा लोग थे सब के सब अय्याशियों में मुब्तला थे, लोगों का सूद रिश्वत खोरी चोरी चकारी फरेब गद्दारी मकारी अय्यारी ये शेवा बन चुका था, सेनाकारी में मुलव्वस थे। एक एक अमीर के घर 300-300 लड़कियां नाचने वाली रहती थी, ऐसे माहौल थे। जब गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर आए और वही आलिम जो दुनियादार होता था जो इन बादशाहों के तल में चाटा करता था उसे मेंबर का इमाम बनाया जाता था और वो मेंबर पे अल्लाह उसके रसूल की बातें करने के बजाय अल्लाह वालों की बातें करने के बजाय इन बादशाहों की बातें किया करता था, खलीफा की तारीफ और तौसीफ बयान किया करता था। गौसे आजम के लिए एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि आप बगदाद के हालात को देखकर बगदाद छोड़कर आप जंगल गए थे, जंगल में आपने 25 साल जिंदगी गुजार दी। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर मैं तुम्हें जंगल के लिए नहीं बल्कि आबादी में जा लोगों के ईमान की हिफाजत के लिए पैदा किया हूं। आए बड़ा चैलेंज है, एक तरफ बड़े बड़े खलीफा है वो सब अरबी है, बगदाद अरब में पड़ता है वो सब अरबी है। गौसे आजम अजमी थे क्योंकि आप जिलान ईरान के थे, ईरान की जबान फारसी है और बाबू सब के सब अरबी, अरबी नस्ल उन्हीं के मुल्क में उन्हीं के सामने कुर्सी पर बैठकर उन्हीं के खिलाफ बातें करना है, उनके अंदर जो बुराइयां उसे गिनाना है और उन्हें सुधारना इसलाह करना है, उन्हें चैलेंज करना है, एक बड़ा चैलेंज था। और साधन सोचो फिक्र में पड़ गए, सरकार का दीदार हुआ, जैसा कि मैंने बताया सरकार ने 7 मरतबा दरवाजे ध्यान डाला, मौला अली आए मौला अली ने 6 मरतबा डाला, फिर गौसे आजम बयान करना शुरू किए। इतवार का दिन था, जोहर के बाद सरकार गौसे आजम ने बयान करना शुरू किया, तो बयान किया पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन, फिर उसके बाद कहा ओ दरवेशो पहाड़ पे बैठने वालों आ जाओ अब्दुल कादिर का बयान सुनकर जाओ, ओ आलिमो आओ आओ अब्दुल कादिर का बयान सुनकर जाओ, ओ खानकाह में रहने वाले गोशानशी रहने वाले वलियों आओ अब्दुल कादिर का बयान सुनकर जाओ, ओ जिन्नातों की जमात आओ अब्दुल कादिर का बयान सुनकर जाओ, ओ रिजालुल गैब आओ अब्दुल कादिर का बयान सुनकर जाओ। आपने आवाज लगाई, सामने 3 बंदे बैठे हैं उनमें एक आपका बेटा है, वो फरमाते हैं कि जैसी सरकार गौसे आजम आवाज लगाते मैं इधर उधर देखता कि कौन आ रहा है, कोई नहीं आता, कोई नहीं आया, आया पहले दिन जब आसमान की तरफ नजर उठाया तो क्या देखा, पूरा आसमान रिजालुल गैब से भरा पड़ा है और उनसे जो नूर की शुआएं निकल रही है उन चिंगारियों से उन श्याओं से मेरा दिल जलने लगा और उसकी तपिश इतनी बढ़ी कि मेरे कपड़े में आग लग गई। गौसे आजम ने आग पे बुझाया, कहा बेटा क्या हुआ, कहा अब्बू जान जब आपने आवाज लगाई नीचे तो कोई नहीं आया लेकिन जब ऊपर नजर डाली तो रिजालुल गैब से पूरे आसमान भरे पड़े थे। गौसे आजम फरमाते हैं बेटा गम न कर, कल तेरे बाप अब्दुल कादिर की बयान अब्दुल कादिर की तकरीर उनको वाज़ो नसीहत सुनने के लिए जमीन भर जाएगी। फिर क्या था, कल होकर के जब आवाज हुई 70,000 का मजमा आकर लग गया, 70,000 का मजमा
70 हजार का मजमा। मैंने कहा था गुज़श्ता जुमा को हजरत खिज़र को भी रोका गया, खिज़र भी आए, खिज़र भी आ गए। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात फिर रिपीट करना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा, ताकि किसी के जहन में ये मुगालता ना हो जाए कि खिज़र अलैहि सलाम के बारे में मुख्तलिफ रवायत है कि वो नबी भी, उसके बाद लोग नबी कहते हैं, बाद लोग वली कहते हैं, लेकिन मूसा अलैहि सलाम नबी। तो यहाँ जो मैंने वाक्या बयान किया था उसमें यह कि खिज़र अलैहि सलाम का गुजर हो रहा था, गौसे आज़म बयान फरमा रहे थे, कहा ओ बनी इसराइल इधर आओ, किफ या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल ठहर जा, रुक जा। खिज़र अलैहि सलाम का काफिला नीचे उतरा, कहा क्या बात है, आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा मैं पहचानता हूं आप खिज़र हैं, मैं पहचानता हूं आप खिज़र हैं, आपको मेरा सलाम हो। कहा जब आप मुझे पहचानते हैं तो आपको मालूम होगा अब्दुल कादिर के मैं वो हूं जिसे देखकर बनी इसराइल के नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम, जिसे देखकर बनी इसराइल के नबी हजरत मूसा हैरत ज़दा हो जाते थे, हैरत में पड़ जाते थे। और इस वाकया का जिक्र आपके कुरान में, आपके कुरान में सूरह बनी इसराइल सूरह मरियम में है, आप जाकर पढ़े, सूरह मरियम में इसका जिक्र है, आप जाकर के पढ़े। हजरत गौसे आज़म ने फरमाया बात सही है, आपको सलाम हो, आपकी तासीम करता हूं, आपकी तकरीम करता हूं, हजरत मूसा अलैहि सलाम की भी तासीम हो, उनकी जात पर भी सलाम हो, लेकिन याद रखिए खिज़र वो जो आपको देखकर हैरत ज़दा पड़ जाते थे, इसलिए कि वो बनी इसराइल के नबी थे, वो बनी इसराइल के नबी थे। मैं मुहम्मदी हूं, मैं मुहम्मदी हूं, आप मेरा बयान सुनो, मुझे देखकर हैरत में पड़ जाओगे। अब यहाँ के लोगों को मुबालता हो गया, हो सकता है मूसा इस्लाम से बड़ा बता दिया, नहीं ऐसा नहीं, आप तवज्जो से सुने, वहां तक अपनी सोच नहीं ले जाए, कोई भी गौस पूरे अगवास अख्ताब औलिया सब मिल जाए, जितने गौस कुतुब अब्दाल खाजा सब मिल जाए, एक सहाबी के मध्य मुकाबिल नहीं पहुंच सकते, तो फिर नबी के मुकाबिल कैसे पहुंच सकते, हम बराबरी नहीं करते। हम ये बता रहे हैं कि खिज़र अलैहि सलाम कौन है, जब उनसे पूछा गया, किसी वली ने पूछा, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि गौसे आज़म का मर्तबा क्या है, तो खिज़र अलैहि सलाम फरमाते हैं कि गौसे आज़म से पहले अहले बैत के अलावा गौसे आज़म से पहले न कोई ऐसा वली पैदा हुआ, न गौसे आज़म के बाद कोई ऐसा वली पैदा होगा। ये खिज़र अलैहि सलाम फरमा रहे हैं, खिज़र अलैहि सलाम फरमा रहे हैं। और खिज़र अलैहि सलाम सरकारे गौसे आज़म की महफिल में आते थे, आप सुनते थे उसके बाद, और खिज़र अलैहि सलाम भी नहीं आते, अजिन्ना आते थे। एक बुजुर्ग थे, एक मौलाना साहब थे, वो अमल पढ़ा करते थे, जब भी अमल पढ़ा जाए उसके जो वकीलात अजिन्ना वो हाजिर होते हैं। एक दिन उन्होंने अमल पढ़ा, जिन्नात हाजिर नहीं हुआ, देर से आए, आमिर साहब ने कहा क्या बात है, आपने आने में देर क्यों कर दी, देर क्यों कर दी। कहा याद रखो, जब हम सब शेख अब्दुल कादिर गौसे आज़म की बारगाह में रहे ना, तो मुझे आवाज मत दिया करो, मुझे आवाज मत दिया करो। उस आलिम साहब ने कहा क्या तुम लोग भी गौसे आज़म की मस्जिद में जाते हो। कहा हम लोग इंसानों से 10 गुना ज्यादा, इंसानों से बोलिए ना 10 गुना ज्यादा जिन्नात वहां मौजूद होते हैं। अब इंसान 70,000 है तो जिन्नात कितने हो गए 10 गुना ज्यादा, बोलिए ना 7 लाख। जिन्नात कह रहे कि इंसानों से 10 गुना ज्यादा जिन्नात वहां हाजिर होते हैं, और 10 गुना ज्यादा मतलब 7 लाख। और उस बुजुर्ग ने कहा, उस आमिल ने कहा कि क्या मेरी आवाज वहां पहुंचती है, तो जिन्नात ने कहा सुनो, जब बगदाद के शहंशाह बोल रहे हो ना, तो किसी की आवाज की वहां कदर नहीं होती। और तुम्हें बता दे रहा हूं, आज के बाद कभी भी जब हम बारगाह गौसियत में रहे तो हमें आवाज ना देना, वरना तेरी आवाज तुझे लौटा दी जाएगी। तो ये गौसे आजम है जिनको सुनने को जिन्नात जाते हैं। उसने पूछा जिन्नात से कि और बताओ और कौन कौन जाते हैं। क्या अंबिया भी आते हैं, अंबिया भी आते हैं। कहा अंबिया आते कहां, हौसला अफजाई के लिए अंबिया आते हैं। कहा और कौन, कहा सरकारे दो आलम दस्ते शफकत फेरने आते हैं अपने लाने पे। सरकारे दो आलम दस्ते शफकत अपने लाने पे
फेरने आते हैं कि ये गौसे आजम है जिनके बयान में दूर दूर से लोग आते थे, दूर दूर से। जब शोहरत हुई, बयान का सिलसिला शुरू हुआ, दूर दूर से लोग आते थे, दूर दूर से आते रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था लोगों को आने में 15-15 दिन, महीने महीने दिन रास्ते सफर में गुजर जाते थे। लोगों ने शिकायत की, हुजूर सफर में वक्त गुजर जाते हैं, सही से बयान भी नहीं सुन पाता, एक दिन सुनता हूँ बाकी के दिन सफर में जाता, कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए कि हर बयान में शामिल हो जाओ। कहा ठीक है, जो मिस्र से आया मिस्र जाए, जो शाम से आया शाम जाए, जो यमन से आया यमन जाए, जो ईरान से आया ईरान जाए, जो जिधर से आया उधर जाए उधर जाए। और याद रखे जिस दिन मेरा बयान होता, बयान इतवार मंगल और जुमा, ये तीन दिन बयान गौसे फरमाते थे। इतवार मंगल और जुमा, ये तीन दिन आप बयान फरमाते थे। का जिस दिन मेरा बयान होता है उस दिन जो जहां है अपने अपने घर में सबको एक जगह जमा कर ले, अपने घर वालों को बुला लो, अपनी बीवी को बुला लो, अपने बच्चों को बुला लो, अपने भाइयों को बुला लो, अपनी बहनों को बुला लो, अपने वालिदैन को बुला लो, सबको जमा कर लो, सबके इर्द गिर्द चारों तरफ एक गोल दायरा खींच दो, एक गोल दायरा खींच दो। और जब गोल दायरा खींचना तो ये पढ़ना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेहनिल्लाह अलमदद। इतना पढ़ के, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेहनिल्लाह अलमदद पढ़ के गोल दायरा खींच लो। और उस दायरे में सब के सब बैठे रहो। लोग घर में गए, यमन वाले यमन गए, मिस्र वाले मिस्र गए, शाम वाले शाम गए, ईरान वाले ईरान गए, जो जहां से आए थे वहां गए। जब इतवार का दिन आया, बयान का वक्त शुरू हुआ, जोहर के बाद बयान का वक्त शुरू हुआ, लोग बयान करते हैं कि हमने अपने घर वालों को बुला लिया, अपनी वालदा को बुला लिया, अपने वालिद को बुला लिया, अपने बच्चियों को बुला लिया, अपने बच्चों को बुला लिया, सब के सब जमा हो गए। उसके बाद गौसे आजम के फरमान के मुताबिक गोल दायरा खींचते हैं और पढ़ते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेहनिल्लाह अलमदद। जैसे ही इतना दायरा खींच कर उस दायरे में हम बैठे, उधर गौसे आजम का वायस शुरू हुआ, बयान शुरू हुआ, ईरान वाले ईरान में, शाम वाले शाम में, मिस्र वाले मिस्र में, जो जहां है वहां बैठे बैठे गौसे आजम का बयान, गौसे आजम बगदाद में बयान कर रहे हैं, वो अपने घरों में सुन रहे हैं। और सुनकर ये पुकार उठे, या गौसे आजम आप बगदाद में नहीं बल्कि ऐसा लगता है मेरे घर में बयान फरमा रहे हैं। सरकार गौसे आजम है, 70,000 का मजमा होता था, पहले वालों को जितनी आवाज मिलती सबसे पिछले वालों को उतनी आवाज मिलती थी। न कोई माइक है, न कोई वायरलेस सिस्टम है, न कोई स्पीकर है, कुछ नहीं। जितने पिछले वालों को जितनी आवाज मिलती है, जितनी आवाज पहले वालों को मिलती है, बराबर आवाज। यहाँ हमारे यहाँ माइक होने पे उधर वाले कहते आवाज स्लो आ रही है, उधर वाले कहते आवाज स्लो आ रही है, सामने वाले कहते आवाज तेज आ रही है। लेकिन गौसे आजम की एक करामत थी कि सबको एक सा आवाज मिलती थी। तो मेरे भाई, ये गौसे आजम है, आपने इस तरीके से तबलीग अशाद की है। फिर क्या था, फिर हाशियों का दौर शुरू हो गया। जब अल्लाह किसी को मकाम और रुतबा नवाजता है तो चलने वाले पैदा हो जाते हैं, चलने वाले पैदा हो जाते हैं। गौसे आजम के भी मुखालिफिन पैदा हो गए, गौसे आजम से भी चलने वाले पैदा हो गए, और गौसे आजम का इम्तिहान लेने के लिए आपकी बारगाह में आए। इंशाल्लाह जो है ये बात, यहाँ से आगे की बातें, गौसे आजम ने हासिदों को क्या दर्श दिया, हासिदों से कैसे मुकाबला हुआ, हासिदों का अंजाम क्या हुआ, इंशाल्लाह ये सारी बातें आने वाले जुमा को बयान की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हम सबों में सरकार गौसे आजम के फैजान को जारी व सारी फरमाए। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।